देखो जानवी को उस हालत में देखने से पहले या उसके बाद तुमने किसी को देखा था सागर? सागर प्लीज कुछ तो बोलो, तुमसे पूछ रहे ना। मैं जब यहाँ रूम की तरफ आ रहा था तो मेरी दीदी मुझे मिली थी नीचे। मैंने उनसे पूछा कि जानवी कहाँ है, अपने रूम में है या नहीं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें नहीं पता। चलिए जरूर टाइम हो गया, अभी तो दादी सो रही, सुबह उठ जाएंगी, आप संभाल लेंगी ना उन्हें। आप उन्हें पहले दवाई दे दीजिएगा, उसके बाद ही बताइएगा मेरे बारे में। सागर चलें, देर हो रही। सागर सागर प्लीज हमारी बात याद रखना, तुम किसी भी पेपर में साइन नहीं करोगे। सागर सागर तुम समझ रहे हो ना, किसी पेपर में साइन नहीं करोगे तो प्लीज। गंगा किस पेपर पे साइन की बात कर रही है, क्या बात है बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रही हूँ? बस ऐसे ही कह रहे थे। क्या छुपा रही हो बताओ मुझे। मेरी दीदी, मेरी क्या हुआ मेरी को? बहू जी हमें अभी भी सागर ने बताया कि उस दिन जब वो घर आया था तो आप लोग सब बाहर गए हुए थे, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले उसने मेरी दीदी को देखा था। इसका मतलब मेरी दीदी घर में थी। अगर हम मेरी दीदी से बात करें तो पता चल सकता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, और कोई घर में आया तो नहीं था। महाराज जी मेरी दीदी कहाँ है? हमें अभी भी याद आया, बहुत दिन से देखा ही नहीं हमने उन्हें। उससे बच्चा होने वाला है ना, तो छुट्टी पर गई है। कब गई महाराज जी, कौन सी तारीख से? जल्दी बताइए महाराज जी, कौन सी तारीख से? मैंने कैलेंडर में लिख कर रखा, अभी लाता हूँ। महाराज जी इसमें तो आपने धोबी वाले और दूध वाले का हिसाब लिखा। एक मिनट, हाँ इस दिन के बाद वो नहीं आई थी। वैसे उसने छुट्टी 25 के बाद मांगी थी। अब मुझे तो हिसाब रखना होगा ना कि कितने पैसे काटने उसकी तनख्वाह से। आपने बोला कि 21 से नहीं आई और जानवी की मौत 20 तारीख को हुई थी, और अगले ही दिन से मेरी दीदी काम पर नहीं आई। इसका मतलब है कि मेरी दीदी को जानवी की मौत के बारे में जरूर कुछ पता है। हमें उनसे बात करनी होगी, शायद मेरी दीदी से बात करके हमें कोई सुराग मिल जाए। हो सकता है कि मेरी दीदी ने कुछ देखा हो या कुछ सुना हो। मैं मेरी से बात करती हूँ। पुलकित अपना फोन दे। प्लीज बात कीजिए। मेरी का फोन तो स्विच ऑफ है, अब कैसे बात होगी उससे, कैसे पता चलेगा क्या हुआ? महाराज जी तुम्हें पता है कि मेरी कहाँ रहती है? हाँ एक बार गया था जब वो बीमार थी। ठीक है महाराज जी, हमें तो मेरी के घर ले चलो। गंगा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। चलिए माते बहू जी चलिए। चलो मेरी से कुछ ऐसी बात पता चल जाए जिससे मेरा बेटा निर्दोष साबित हो जाए। महाराज जी जल्दी आइए। इतनी रात को कहाँ जा रहे होंगे? कोई प्रूफ तो नहीं मिल गया? कैलाश सर। हेलो। हाँ गंगा I'm sorry, मैं तुम्हें इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। But I was really worried about the case. मैं जानना चाहता था कि तुम्हें कुछ पता चला? कोई evidence, कोई सुराग? Yes sir, लगता तो है कि कोई clue मिला। सागर ने बताया कि उस दिन जब वो घर आया था तो वो मेरी दीदी से मिला था। मतलब जानवी के कहने पर घर आया था, लेकिन अपने कमरे में जाने से पहले उसने मेरी दीदी को देखा था। बस हम अभी मेरी दीदी के घर जा रहे हैं, शायद उनसे मिलके कुछ पता चल जाए। What? और ये बात तुम मुझे अब बता रही? मेरे पूछने के बाद? गंगा तुम मेरी के घर पूछताछ करने जा रही हो, ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सॉरी सर,
दरअसल कुछ दिमाग में नहीं आया उस टाइम। सर वैसे हम मेरी दीदी से मिलने के बाद आपको बताने ही वाले थे कि क्या क्या बात हुई है हमारी। ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन अपना ख्याल रखना। हो सकता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा हो, और आज के बाद कोई भी कदम उठाओगी तो मुझसे सलाह करोगी, तुम मुझे बताओगी, मुझे भी मेरी का एड्रेस भेज दो, मैं भी वहीं पहुंचता हूं। ओके सर, भेजते हैं। ओके तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, सागर के घर पे काम करने वाली मेहरी का एड्रेस है वो। गंगा उससे मिलने गई है, कुछ बात करने गई है उससे। तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। गरम कर रहे हैं अभी दूध तुम दोनों के लिए। शोर काहे मचा रहे हो, बैठो चुपचाप, खेलना बंद करो अभी। और हाँ, बाहर मत जाना। हाँ, रात हो गई है, बच्चे भी ना, बस शोर मचा करके रखा। अरे किसान राखी, मना किया ना खेलने के लिए, बंद करो। अरे बाहर बच्चे भाग गए। राखी किसान, अरे आगे से बाएं लीजिए, खुल लीजिए बाएं। और कितना दूर है महाराज जी? शायद आगे से दाएं, नहीं महाराज जी ठीक से बताइए ना। पिछली बार जब मैं आया था तो दिन के समय आया था, अब रात हो चुकी है। पुलकित भैया आप प्लीज साइड पे गाड़ी रोकिए ना, हम ही पूछ के आते हैं। पुलकित भैया रास्ता तो अंदर जाके लेफ्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत लंबा रास्ता है, तो शॉर्टकट है ना, तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो अभी गाड़ी पार्क कर दीजिए ना, पैदल चलते हैं। हमने बच्चों को छोड़ दो भैया जी, हमने कहा ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, और हमने तो उनके घर जाना भी छोड़ दिया, तो फिर हमको काहे परेशान कर रहे हो? हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमने बच्चों को कुछ मत करना। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, तेरे दोनों बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचिए। यहाँ होगा शायद। छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? हाँ कहीं पे भी जा, तेरे गांव जा या किसी दूर रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ तुझे कोई ढूंढ ना सके। हम कल सुबह ही चले जाएंगे। सुबह नहीं, अभी। भैया जी इतनी रात को कैसे? नहीं गई ना, इसको काट देगा, समझे क्या? नहीं, बच्चों को कुछ मत करना, हम अभी चले जाएंगे। अब बच्चों को कुछ मत करना, हमने बच्चों को छोड़ दो। महाराज जी क्या हुआ? याद है वहां अगली गली से दाईं तरफ, तो चलिए। हाँ। ए चलना, कितना लेट करेगी, ताला बंद हो गया तेरा। हम लोग चले जाएंगे। तू पैदल जाएगी ना, लोग पकड़ लेंगे तेरे को। चल अभी तेरे को गाड़ी में डाल के निकलने का है, चल ए चल, बैठ यहाँ पे, चल बहुत हो गया तेरा, चल। महाराज जी और कितना दूर है? बस यहीं पर आगे।
गंगा वहां कहाँ जा रही हो? यहाँ जाना ना, चलो गंगा चलो। ये वाला मेरी दरवाजा खोलो, मेरी दरवाजा खोलो। एक मिनट, लेकिन लेकिन यहाँ तो ताला ही बंद है महाराज जी। किसको ढूंढ रहे हैं आप? रामकली को। कहाँ है वो, आपको पता है? अभी गई है जीप में बैठ के। गंगा रुको, क्या हुआ गंगा, इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रही हो तुम? वो मेरी दीदी, वो अभी अभी जीप में निकली सर, हमें उन्हें रोकना है। इट्स ओके गंगा, तो सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर, वो पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझसे बात करना चाहते हैं सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे होश में आओ गंगा, इस तरह किसी विटनेस के पीछे नहीं भागते। अगर मेरी डर गई तो, डर के उसने बयान देने से इनकार कर दे तो क्या करोगी तुम? गंगा मैं मानता हूं कि हम उसे पकड़ना है, उसे ढूंढना है, वो जहां कहीं भी होगी हम उसे ढूंढ लेंगे, पर सबसे पहले अपने इमोशंस पे काबू करो तुम। इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। ये करीब आए थे हम सुराग के, हमारे हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं, आंखों के सामने मेरी दीदी चली गई। इट्स ओके गंगा, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलकित गंगा को घर लेके जाओ, बहुत परेशान और थकी भी लग रही है, कल सुबह मजिस्ट्रेट के सामने सागर की पेशी, उससे पहले से थोड़ी रेस्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा इसके लिए। चलो गंगा रिलैक्स। कल कोर्ट में क्या होगा, जस्ट वेट एंड वॉच गंगा। आज तो तुम्हारे हाथ से सिर्फ एक गवाह निकला है, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज रेत की तरह तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी, तुम्हारा सागर। गुड मॉर्निंग गंगा। गुड मॉर्निंग सर। किसका इंतजार कर रहे हो आप? सागर का वेट कर रही हो क्या? यस सर, पता नहीं वो अब तक आया क्यों नहीं है। आ जाएगा, अभी उसके आने में थोड़ा वक्त है, रिलैक्स डोंट वरी। क्या हुआ गंगा, तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? चले चले, कहाँ चले, कहाँ जा रही तुम गंगा? सर सर आई एम रियली सॉरी, हमने आपको बताया नहीं क्योंकि हम जानते थे कि आप मना कर देंगे, लेकिन हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम मेरी दीदी को ढूंढ कर ही रहेंगे, इसलिए हम पुलकित भैया के साथ उनके गांव जा रहे हैं, वो वहीं पर ही होंगी सर, और हमें उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मेरे लाख बना करने के बावजूद भी तुमने ये सब किया? गंगा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया किसी विटनेस को इस तरह फॉलो नहीं करते, और अगर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हुआ तो कोई तुम पर अटैक कर सकता है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है गंगा। हमें किसी खतरे की परवाह नहीं है, सागर के लिए हम सब कुछ सह सकते हैं, सागर को आजादी दिलाने के लिए
हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं सर, लेकिन प्लीज सर, सर आप हमसे नाराज मत होइए सर। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? बहुत सिद्धि हो तुम गंगा, तुम्हारा जो दिल करता तुम वही करती हो। ठीक है जाओ मेरी से मिल लो, बट बी केयरफुल। थैंक यू सर। सर आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि सागर कोई भी कन्फेशन लेटर पे साइन मत करे। यू डोंट वरी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक मिनट, ये वाला हमारे हाथ में बांध दो। सुबह दरगाह गए थे, वहीं से ही लेकर आए हैं इसे तुम्हारे लिए। इसमें हमारी दुआएं शामिल, कि धागा तुम्हारी रक्षा करेगा सागर, सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेगा। हमारे बीच के विश्वास की तरह मजबूत है यह धागा, तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हमें हारना नहीं है सागर, हमें लड़ना है, हालात का मुकाबला करके जीतना है हमें। जानवी को इंसाफ दिलाना है हमें, उसके हत्यारे को सजा दिलानी है। तुम समझ रहे हो ना सागर? सागर कुछ तो बोलो, समझ रहे हो ना सागर हम क्या कह रहे हैं? सागर, 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 पुलकित भैया सागर कुछ बोल ही नहीं रहा है, हमें अजीब सी घबराहट हो रही है। सागर ने कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं वो कोर्ट में क्या करेगा, क्या कहेगा। डोंट वरी अबाउट सागर गंगा, मैं संभाल लूंगा उसे। तुम जाकर मेहरी को ढूंढो और बात करो उससे, हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। रिलैक्स गंगा, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने तुमसे कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, जाओ। चलो गंगा। थैंक यू। वो लोग मेरी के गांव जा रहे हैं, कुछ भी हो वो लोग मेरी तक पहुंचने नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रहे गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, गंगा को कोई खरोच तक नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? हाय सागर, कल तुम्हें कुछ वक्त अपने फैमिली के साथ मिला, मुझे खुशी हुई। आज तुम जो भी फैसला लोगे यही याद रखना कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत परेशान, बहुत प्यार करती है तुमसे, चिंता करती है तुम्हारे लिए। और सबसे ज़्यादा गंगा, उसने तो मुझे बाहर भी कहा कि सागर को किसी पेपर पर साइन मत करने देना, बहुत भाग दौड़ कर रही है वो तुम्हारे लिए। उसे तो लगता है कि मेरी तुम्हें बचा सकती है। और आप, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? एक्चुअली सागर, मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, ना ही गंगा को करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं ताकि वो मायूस ना हो जाए। अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि मेरी से मिलने से हमें कोई मदद मिल सकती, इसलिए उससे मिलके कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, इसलिए मेरी से पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो ये अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए।
गंगा को लगता है कि मैरी से मिलके शायद उसे कोई ठोस सबूत मिल जाए, और शायद मिल भी जाए, ऐसा हो भी सकता है सागर। यू नो मिरेकल्स डू हैपन। पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं इनमें बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि गंगा जो भी सोच रही है, उसका जो भी विश्वास है, जिसके लिए वो इतनी भागदौड़ कर रही है, वो सब कुछ सच साबित हो। पलाश ऐसा क्यों कह रहा है? क्या वो नहीं चाहता कि गंगा को मेरी से कोई सुराग मिल जाए? हमारा मन बहुत घबरा रहा है पुलकित भैया, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। हमने पलाश सर से तो कहा है कि सागर को पेपर साइन ना करे, ध्यान रखे, सागर से भी कहा है, फिर भी एक बार पलाश सर से बात कर लेंगे तो शायद थोड़ी तसल्ली हो जाए। फोन क्यों नहीं लग रहा है? काम शहर से बहुत दूर है, हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा। तुम्हारे पलाश सर ने कहा है ना कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे? वो सागर के साथ, सो डोंट वरी, ओके?